इंजीनियर कॉलेज पे आप सभी का वेलकम है। जैसे कि बात करें लेक्चर्स की, तो आपको पता था कि हमने प्रीवियस वीडियो में सम्स किए थे, आंसर क्वेश्चन किए थे, एडमिशन ऑफ पार्टनर बनाए थे, जिसमें हमने क्या किया था, हमने अकाउंट्स बनाया था, हमने जनरल एंट्रीज पास किए थे, ठीक है। बट आज जो सम करने वाले थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा अलग है, बट बहुत मजेदार है, साथ में करेंगे, एंजॉय से करेंगे। चलो तो आ जाओ लेक्चर पे। जैसे कि हमारा लेक्चर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, अनसॉल्व क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लोग कर रहे हैं, उसके अंदर हमें सारे एडजस्टमेंट सारे पोस्टिंग सीखने को मिल रहे हैं। एंड जितने आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उतना ज्यादा आप बीके में स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा है, सर एडमिशन ऑफ पार्टनर बहुत हार्ड है, स्कूल में चालू हो गया बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट आप यहाँ पे अगर केयरफुली बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक देखे तो ऑलमोस्ट आपको ऑटोमेटिक सब कुछ समझ जाएगा। चीजें वैसी है, खाली आपको समझना है, आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, बाकी सब इजी है, बट करना है ना उतना। तो ठीक है, विदाउट टाइम वेस्ट के क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमको कभी भी अगर बीके करना है, हम बीके सबमिट करने जा रहे हैं, हम अकाउंट्स में सम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको केयरफुली क्वेश्चन को रीड आउट करना है कि क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, क्या करने को बोल रहा है, क्या बनाने को बोल रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखना है हमें, क्वेश्चन क्या बोलता है बोले देखना है। अमल एंडू एंड समीर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 रिस्पेक्टिवली, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 वाज एज अंडर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। अब क्या बोल रहा है, जो ओल्ड पार्टनर्स थे, कौन थे वो, अमल एंडू एंड समीर, ये क्या थे, ओल्ड पार्टनर्स थे जिन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया हुआ है। तो उनका प्रॉफिट रेशियो क्या है, 3:5, मतलब क्या कि एक एप्पल है, एक एप्पल के 5 स्लाइस किए, 5 स्लाइस में से 3 मैंने किसको दे दिया, एमएल एंडू को दे दिया, एंड 2 किसको दे दिया, समीर को दे दिया, मतलब रेशियो क्या बन जाएगा, 5 में से 3 और 5 में से 2, ठीक है, ये हमारा रेशियो बन गया। नो, कैसे रेशियो निकालते हैं, चलो फिर क्या बोला गया है, लाइबिलिटीज एंड असेट्स। मैंने आपको एक की पॉइंट दिया था जो कि आपको कोई नहीं देगा, की पॉइंट ये है बच्चों की लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑलवेज आपकी क्रेडिट साइड ही जाएगी, डेबिट साइड जाएगी नहीं, लाइबिलिटीज ऑलवेज आपके क्रेडिट साइड जाएगी एंड असेट्स ऑलवेज आपके डेबिट साइड जाएगी, ये आपको श्योर याद रखना है क्योंकि ये की पॉइंट है। तो बच्चे इसमें कन्फ्यूज, बच्चे सर हम लोग एंट्रीज क्रेडिट में करें या डेबिट में करें, तो सिंपल है, अगर लाइबिलिटी दिया है तो सीआर में कर दो, मतलब क्रेडिट में कर दो, एसेट्स दिया है डेबिट में कर दो, विदाउट कुछ सोचे, ये आपका की पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो तो जैसे कि बात करें सन्ड्री के, पहले क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, देखो क्वेश्चन के एंडिंग में आ गया मैं, क्या बोला है, पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म, मतलब खाली आपको जनरल एंट्रीज बनाना है, बाकी कुछ बनाना है क्या, नहीं, बाकी कुछ आपको बनाना है क्या, नहीं बनाना है, खाली आपको जनरल एंट्रीज बनाना है, ओके अंडरस्टैंड। अब जनरल एंट्रीज बनाना है तो उसके लिए आपको क्या लगेगा, उसके लिए आपको रिवोल्यूशन अकाउंट लगेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लगेगा। क्यों लगेगा सर, इसलिए लगेगा बिकॉज उसके अंदर हम लोग रिवोल्यूशन करेंगे कि हमारा असेट्स ज्यादा है या लाइबिलिटी ज्यादा है, तो उसका एंट्रीज हम लोग कहाँ करते हैं, हम लोग जनरल एंट्रीज में करते हैं, तो हमको रिवोल्यूशन अकाउंट लगेगा, और कुछ लगेगा क्या, नहीं। अगर क्वेश्चन में आपको बोला गया आपको जनरल एंट्रीज बनाने का है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड द जनरल एंट्रीज, बाकी कुछ आपको बनाना है क्या, नहीं बच्चों। तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स कहां जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा, बट हमको लेना है क्या, नहीं तो मैं इसको कटिंग कर दूंगा। अमल एंडू कैपिटल कहां जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, हमको लेना है क्या, अभी नहीं, हम बनाने वाले क्या पार्टनर्स कैपिटल, नहीं तो हम लोग नहीं लेंगे, तो मैंने क्रॉस कर दिया। कैश एट बैंक, अब यहां बैंक दिया तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, बैंक का अकाउंट बनाना पड़ेगा अलग से, तो हमको बनाना है क्या, नहीं तो मैं कटिंग कर दूंगा। डेटर्स कहां जाएगा, असेट में बनाना है, नहीं तो मैंने कटिंग कर दूंगा। लैंड एंड बिल्डिंग कहां जाएगा, असेट में जाएगा, नहीं बनाना है तो मैं कट कर दूंगा। स्टॉक कहां जाएगा, असेट में जाएगा, नहीं बनाना है तो मैं कट कर दूंगा। प्लांट एंड मशीनरी कहां जाएगा, असेट्स में जाएगा, नहीं बनाना तो मैं कट कर दूंगा। फर्नीचर एंड फिक्चर कहां जाएगा, असेट में। अब मैं जब बैलेंस शीट बना नहीं रहा हूं तो मैं इसकी पोस्टिंग कहां करूंगा, जाहिर सी बात है अगर मैं बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूं तो मैं इसकी पोस्टिंग नहीं करूंगा, अंडरस्टैंड। अब सिंपल सी बात है, पर इसका अमाउंट मुझे काम आएगा, इसका अमाउंट मुझे कहां काम आएगा, इसका अमाउंट मुझे रिवैल्यूएशन करने के लिए काम आएगा। तो जिस तरीके से आपके एडजस्टमेंट आएंगे, हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, पोस्टिंग करना चालू करेंगे, ओके। चलो तो सबसे पहले पोस्टिंग करेंगे आप लोग, चलो
तो अब यहाँ पे आपको पता है कि आपको जनरल एंट्रीज बनाना है, बाकी कुछ आपको बनाना है क्या बच्चों? कुछ नहीं बनाना है। तो सिंपल है, जनरल एंट्रीज के दो अकाउंट लगता है, एक जनरल एंट्रीज एंड द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जहां पे हम लोग अपने असेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं कि हमारा असेट्स ज्यादा है हमारा लॉस ज्यादा है। ओके चलो, तो सबसे पहले क्या करना है, देखो आप लोगों को जनरल एंट्रीज बनाने का है, इसका फॉर्मेट है इन द बुक्स ऑफ एम एल एंड समीर एंड प्रेस, मतलब तीन पार्टनर से आपके, तीन पार्टनर्स के नेम आ जाएंगे ऊपर, एंड क्या आ जाएगा, जनरल एंट्रीज डेट पार्टिकुलर्स एल एफ डेबिट डेबिट, ठीक है ये आ जाएगा आपका, और कुछ है डेबिट और क्रेडिट, ये आपका हो गया फॉर्मेट। अंडरस्टैंड, फॉर्मेट आपको समझ गया? ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। अब यहां पे क्या बोला है देखो, फर्स्ट अप्रैल दे एडमिट परेश इनटू पार्टनर्स द टर्म विद दैट, मतलब क्या कि आपके 31 अप्रैल को, 1 अप्रैल को आपने क्या किया, एक न्यू पार्टनर्स को क्या किया, आपके बिजनेस में क्या किया, एडमिट किया, आपके बिजनेस में क्या किया, आपने एडमिट किया। अब एडमिट कर दिया तो थर्ड पार्टनर्स आ गया। मैंने ऑलवेज आपको बोला, अगर थर्ड पार्टनर्स आपके बिजनेस में आ रहा है तो वो खाली हाथ आएगा क्या? नहीं, वो क्या लाएगा, कैपिटल लाएगा, मनी लाएगा, साथ में क्या लाएगा, कुछ गुडविल लाएगा। मतलब क्यों गुडविल क्यों लाएगा सर? गुडविल इसलिए लाएगा कि अगर जब ओल्ड पार्टनर्स ने इतना मेहनत करके कुछ बिजनेस सेटअप किया है तो कोई भी न्यू पार्टनर इजिली आ जाएगा क्या? नहीं, जैसे प्रॉफिट लेने को नहीं। अब ओल्ड पार्टनर्स क्या बोलेंगे, भाई एक शर्त है मेरी, अगर आप बिजनेस में आ रहे हो तो मुझे क्या देना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ कंपनसेट, कुछ ना कुछ गुडविल देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट देना पड़ेगा जो हमने इतने साल से मेहनत करके अपने बिजनेस को स्टेबल रखा उसके लिए। तो थर्ड पार्टनर्स क्या बोलेगा, चलो मैं आपको इतने का अमाउंट देता हूँ। तो जो वो अमाउंट दे रहा है उसे क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो, तो सबसे पहले क्या बोला है यहाँ पे देखो, सिंपल है। अब यहाँ पे क्या बोला है, ही शॉल पे 16,000 हैज शेयर ऑफ गुडविल, 50% अमाउंट ऑफ गुडविल शॉल बी विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर्स। ओके, अब सिंपल मैं आपको बता दे रहा हूं क्या है यहाँ पे सिस्टम। देखो, अब उसने क्या किया है कि भाई तीसरा पार्टनर अगर आ रहा है तो वो कितने का अमाउंट लेके आ रहा है, 16,000 का अमाउंट लेके आ रहा है। कहां से लेके आ रहा है, गुडविल से लेके आ रहा है। अब 50% अमाउंट ऑफ गुडविल शॉल बी विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर्स। अब ओल्ड पार्टनर्स क्या कर रहे, 50% अमाउंट को विड्रॉ कर रहे। विड्रॉ मतलब क्या, निकाल ले रहे गुडविल को, 50% अमाउंट ले ले रहे, ठीक है। तो उसका जनरल एंट्रीज क्या बनेगा, उसका जनरल एंट्रीज क्या बनेगा बच्चों? देखो, अब यहां पे क्या आ रहा है, गुडविल आ रहा है। अब गुडविल किस वे में आएगा, अब गुडविल है भाई, मनी है, तो किस वे में आएगा, या तो बैंक के वे में आएगा या तो कैश के वे में आएगा, दूसरा कोई आने वाला है क्या? नहीं। तो डेबिट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट क्या हो जाएगा आपका, कैश और बैंक अकाउंट। क्या आपका पैसा किधर से आ रहा है, कैश से आएगा या तो बैंक से आएगा, तो मैं क्या करूंगा, डेबिट क्या है मेरे पास, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। अब यहां पे डेट डालना है आपको, तो डेट कौन सा पड़ेगा सर, डेट आपका ऑलवेज ये पड़ेगा, जिस दिन आपका न्यू पार्टनर्स एडमिट हो रहा है उस दिन का आपका डेट पड़ेगा। तो कभी का डेट है, देखो ऑन 1 अप्रैल 2017, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 2017 1 अप्रैल। अंडरस्टैंड? अब कैश और बैंक अकाउंट से मेरे पास क्या आ रहा है, गुडविल आ रहा है। अब कितने का गुडविल आ रहा है भाई, 16,000 का गुडविल आ रहा है, मतलब 16,000 का गुडविल आ रहा है। अब 16,000 तो मेरे पास कैश आ गया, अब किस वे में आ रहा है, अरे भाई गुडविल से आ रहा है ना, कहां से आ रहा है, कैश कहां से आ रहा है, गुडविल से आ रहा है। तो क्रेडिट क्या होएगा, टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। अब ये क्या हो गया, क्रेडिट, ठीक है, कितने का हो रहा है, 16,000 का, तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, 16,000। अब सिंपल सी बात है, इसके अंदर क्या होता है कि आपको नरेशन लिखना इज द कंपलसरी है। अब जब भी आप नरेशन लिखते तो आपको बिंग से स्टार्ट करना है, BEING, बिंग से स्टार्ट करना है। और नरेशन क्या है, आप एज द कॉपी भी कर सकते हैं आपके क्वेश्चन में का, एंड अपने माइंड से भी लिख सकते हैं, ऑल एवर आप कुछ चलेगा, जो आपको सही लगता है वो आप लिख दीजिए, नरेशन आपके लिए चलेगा, उसके लिए आपको 1 मार्क कंपलसरी मिलता है, ठीक है। तो नरेशन आपको लिखना है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, बिंग
बींग, अब गुडविल कौन ला रहा है? न्यू पार्टनर्स ला रहा है, मतलब परेश ला रहा है, तो बींग परेश शेयर हिज गुडविल। क्या लिखा मैंने? सिंपल मैंने छोटा ही लिखा, आपको ज्यादा बड़ा लिखना नहीं है, छोटा सा लिखना है समझने के लिए। बींग परेश शेयर इज गुडविल, क्या मैंने लिखा? बींग परेश शेयर इज गुडविल, ठीक है। अब मैंने ऑलवेज आपको बता दिया था कि जो ये गुडविल है, जो ये गुडविल है वो क्या होता है? हमारे लिए असेट्स होता है, और असेट्स कहाँ जाता है? ऑलवेज डेबिट साइड जाता है। असेट्स कहाँ जाता है? ऑलवेज डेबिट साइड जाता है बच्चों, सिंपल। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, देखो, गुडविल 50% अमाउंट शॉल बी विड्रॉ, मतलब क्या हो गया? 50% अमाउंट क्या हो गया? विड्रॉ हो गया, बरोबर। विड्रॉ हो गया मतलब कौन? ओल्ड पार्टनर से क्या कर लिया? अमाउंट को विड्रॉ कर लिया, मतलब अमाउंट को निकाल लिया। तो उसकी अमाउंट क्या बनेगी? देखो उसके एंट्रीज क्या बनेंगे, सिंपल। अब यहां पे लिखूंगा मैं 1 अप्रैल, ठीक है। अब गुडविल यहां पे क्या है? क्रेडिट में है, और गुडविल अपने लिए क्या होता है? असेट्स होता है, और असेट्स ऑलवेज कहां जाएगा? डेबिट साइड जाएगा। तो आपको यहां लिखना है गुडविल अकाउंट डेबिट टू। अब जो ये गुडविल है वो क्या, हाफ अमाउंट दोनों पार्टनर्स ले रहे, तो गुडविल कितना था मेरा? 16,000 का, ठीक है। अब यहां पे कितना हो गया? हाफ हो गया, तो यहां पे कितना आएगा बच्चों? 8,000 आएगा, इसका हाफ करेंगे तो मैं यहां पे लिख दूंगा 8,000, ठीक है। अब जो 8,000 है वो क्या एक ही पार्टनर्स लेगा क्या बच्चों? नहीं, दोनों पार्टनर्स लेंगे, एमोलंडू भी लेंगे एंड समीर भी लेंगे। एमोलंडू का रेशियो क्या था? 3:5। समीर का क्या था? 2:5। तो उनका जो ये कैपिटल हमारा 8,000 है, उनको हम रेशियो के हिसाब से उनके अकाउंट में दे देंगे, अंडरस्टैंड? चलो तो कैसे निकालते हैं, देखो पहला क्या है, एमोलंडू है, तो मैं एमोलंडू का नाम लिख दूं एमोलंडू। सेकंड कौन है? टू समीर भाई, अब मैं समीर भाई का भी नाम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब रेशियो में देना है आपको, आप लोग को इधर नहीं निकालना है, आपको वर्किंग नोट में निकालना है पीछे। अब मैं एक वर्किंग नोट बनाऊंगा, बट आप लोग वर्किंग नोट बना लो, मैं यहीं पे निकाल के आपको दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब एमोलंडू का बोला है तो क्या करना है आपको? 8,000 इंटू 3:5 इनका रेशो है, और 8,000 पे 2:5 इनका रेशो है, तो अभी आपको निकालना है। चलो निकालो एमोलंडू की ओर, चलो 8,000 इंटू 3/5 कितना आ गया? 4,800। तो हमने एमएनडी को कितना दिया? 4,800 दे दिया, ठीक है। अब क्या कहा है? समीर को देना है आपको, तो आपको समीर को भी सेम वैसे ही निकालना है। 8,000 इंटू 2/5 कितना हो गया? 3,200। तो हमने दे दिया 3,200, इसको दे दिया समीर को दे दिया, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग फटाफट, हो गया। चलो अब क्या बच्चा है? इसका नरेशन बच्चा है, अब मैं नरेशन यहां पे लिख दूंगा। अब क्या लिखूंगा? नरेशन बींग गुडविल विड्रॉ हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल, हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल किसने विड्रॉ कर लिया? ओल्ड पार्टनर्स ने कर लिया। आप चाहे तो ओल्ड पार्टनर्स लिख लो, या चाहे तो पार्टनर्स के नाम लिख लो। तो मैं क्या लिखूंगा? बींग गुडविल विड्रॉ हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल बाय ओल्ड पार्टनर्स, क्या लिख लूंगा? बाय ओल्ड पार्टनर्स, मतलब क्या हुआ? जो गुडविल था वो हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल क्या किया? विड्रॉ कर लिया। कौन किया? ओल्ड पार्टनर्स इन देयर रेशो। अब मैं लिख दूंगा यहां पे इन देयर रेशो, अंडरस्टैंड? श्योर हो गया? चलो क्वेश्चन पे आ जाओ वापस। अब क्वेश्चन का हमारा ये तो हो गया, गुडविल का भी हो गया। अब क्या बोला? ही शॉल ब्रिंग इनटू 20,000 हैंड इज कैपिटल फॉर 1 पॉइंट शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स। अब क्या हो रहा है? अब बिजनेस में पार्टनर्स आ रहा है, न्यू पार्टनर्स आ रहा है। कौन आ रहा है? परेश आ रहा है। अब परेश क्या लेके आ रहा है? कैपिटल लेके आ रहा है, मतलब मनी लेके आ रहा है। मनी आ रहा है तो बिजनेस में क्या आएगा? मनी असेट्स बढ़ेगा,
तो असेट से बड़े यार हमारे पास क्या आ रहा है? मनी आ रहा है, आप कौन से वे में आ रहा है, कैश में आ रहा है, आप कहाँ से आ रहा है भाई? परेश के पास से आ रहा है। तो आपको क्या लिखना है, कैसे एंट्रीज पास करना है, देखो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे अपने डेट डालेंगे 1 अप्रैल। अब कहां से बोलेंगे कैश से पैसा आएगा, तो कैश और बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। डेबिट अब कहां से आ रहा है भाई, टू परेश के कैपिटल से आ रहा है, टू परेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कैश और बैंक कितना आ रहा है, 20,000। कहां से आ रहा है, परेश के पास से आ रहा है, कितना आ रहा है, 20,000। अब नरेशन में क्या लिखेंगे, बिल परेश इंट्रोड्यूस इज कैपिटल। नरेशन सिंपल लिखना है, ज्यादा हार्ड नहीं लिखना है आपको, एकदम सिंपल सा नरेशन लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाओ वापस। अब मैंने क्या किया, जनरल एंट्री सबके पास कर दिए, दोनों के जनरल एंट्रीज पास कर दिए। अब थर्ड क्या बोला है, फॉर द पर्पज ऑफ परेश एडमिशन इट वॉज एग्रीड दैट द असेट्स शुड बी रिवैल्यूड। अब क्या बोला है कि भाई परेश के आने से पहले दोनों पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने असेट्स के रिवैल्यूएशन कर लेंगे, और जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपस में बियर कर लेंगे। अब मुझे कभी भी रिवैल्यूएशन करना है तो मैं क्या बनाऊंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एडजस्टमेंट अकाउंट बनाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला जाता है, ठीक है। तो अब पहले यहाँ पे क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 60,000, ठीक है। अब लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू अभी कितना है, 60,000 है, और पहले कितना था बच्चों, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 50,000 था। मतलब क्या हुआ, 10,000 मुझे बढ़ा। तो बढ़ के अगर सपोज इस बॉटल की वैल्यू अभी कितना है, 60,000 है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, और पहले कितना थी, पहले 50,000 थी, तो अब ज्यादा है अमाउंट। मतलब क्या, इसका अमाउंट बढ़ गया, मतलब बढ़ गया तो क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन बोलते हैं बच्चों। देखो अब 10,000 का एप्रिसिएशन हो रहा है, तो आप कहां करेंगे इसके एंट्रीज, मैंने आपको ऑलवेज बता दिया कि अगर आपके प्रॉफिट्स हो रहे तो आप कहां पे करेंगे, आपके डेबिट्स क्रेडिट साइड पे करेंगे। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप कहां पे करेंगे, डेबिट साइड पे करेंगे, और अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप क्या करेंगे, डेबिट साइड पे करेंगे, ठीक है। आप देखो यहां पे क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, किस पे प्रॉफिट हो रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग पे प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, ही शॉल लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यू 60,000। लैंड एंड बिल्डिंग लिख दो, लैंड एंड बिल्डिंग। अब अभी का वैल्यू कितना है, 60,000 वैल्यू है अभी का, पहले कितना था, 50,000 का वैल्यू था, तो कितना प्रॉफिट हुआ आपको, 10,000 प्रॉफिट हुआ। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 10,000। अंडरस्टैंड बच्चों, चलो अगर हम लोग बैलेंस शीट बनाते तो पहले क्या करते हैं, बैलेंस शीट में भी ऐड करते, बट यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट बना रहे क्या नहीं बना रहे, हमको डायरेक्ट क्या करना है, एंट्रीज करना है, प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट में जनरल एंट्रीज बनाना है। अब जनरल एंट्रीज बनाने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो उसमें मुझे मालूम पड़ेगा कि मेरे पास प्रॉफिट ज्यादा है या लॉस ज्यादा है, वो हमको एंट्रीज करना पड़ेगा। कैसे करते हैं मैं आपको समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप पहले करते हैं, ठीक है। चलो अब लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, अब क्या बोला, प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 16,000। अब प्लांट एंड मशीनरी अभी कितना होगा, 16,000 हो गया। प्लांट एंड मशीनरी की अभी वैल्यू कितना हो गया, प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 16,000 का है, और पहले कितना वैल्यू था, देखो पहले कितना वैल्यू था लैंड एंड बिल्डिंग की, 50,000 थी लैंड एंड बिल्डिंग ने, प्लांट की कितनी वैल्यू थी, 20,000। मतलब पहले कितना थी, 20,000 थी, और अभी कितना हो गया, 16,000 हो गया। अभी कितना हो गया, 16,000 रुपए हो गए प्लांट एंड मशीनरी, बरोबर। आप प्लांट एंड मशीनरी पहले 20,000 थी, अभी कितना हो गया, 16,000। मतलब क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ, 4,000 का। मैंने आपको बता दिया था कि प्रॉफिट होगा तो कहां करेंगे आप लोग, क्रेडिट साइड पे करेंगे, और लॉस होगा तो कहां पे करेंगे, डेबिट साइड करेंगे, ठीक है। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में आ जाओ।
आ गए हम लोग। अब यहां पे क्या लिखेंगे आप लोग, टू कौन सा नाम है, नाम देखो क्या नाम दिया है, प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी, अंडरस्टैंड। चलो अब प्लांट एंड मशीनरी पहले कितना थी, पहले 20,000 थी, अब कितना हो गया 16,000 हो गया, मतलब कितने का लॉस हो गया, 4,000 का लॉस हो गया, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 4,000, अंडरस्टैंड। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ, चलो लैंड एंड बिल्डिंग भी आपका हो गया, अब क्या बचा है, तीसरे पे आ जाओ, क्वेश्चन वर्ड चेंज करो। सी क्या बोला, स्टॉक वैल्यूड एट 20,000 एंड फर्नीचर एंड फिक्सर 4,000, तो पहले क्या बोला है, स्टॉक का बोला है, तो चलो स्टॉक का देखते हैं। अभी स्टॉक का वैल्यू कितना है, 20,000 है, और पहले क्या था, स्टॉक का वैल्यू 16,000 था, मतलब स्टॉक का वैल्यू पहले 16,000 था, अभी कितना हो गया, 20,000 हो गया, मतलब क्या 4,000 बढ़ गया, तो क्या हो गया, एप्रिसिएशन हो गया, सिंपल। तो मैं जाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आऊंगा। अब प्रॉफिट आपका एसेट्स का वैल्यू बढ़ा, बढ़ा तो कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, तो क्या लिखूंगा, स्टॉक पहले कितना था, स्टॉक का 20,000 था, अब कितना हो गया 16,000, कितना प्रॉफिट हुआ, 4,000 प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, 4,000 प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन पे आ जाओ वापस। चल अब कितना बोला है, फर्नीचर एंड फिक्सर कितना बोला, 24,000 बोला है, फर्नीचर एंड फिक्सर पहले कितना था, 8,000 था, अब कितना बोला है, 24,000 बोला है। तो अब यहां पे क्या हुआ, देखो फर्नीचर एंड फिक्सर्स पहले कितना था, 8,000 था, अभी कितना हो गया, 24,000 हो गया है, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, पहले 8,000 था, अभी 24 हो गया, मतलब क्या प्रॉफिट हुआ, मतलब क्या एप्रिसिएशन हुआ है बच्चों। तो एप्रिसिएशन हुआ तो कहां पे आएगा, सिंपल सी बात है, एप्रिसिएशन हुआ तो आपके पास कहां पे आएगा, एक मिनट, सॉरी यहाँ पे 4,000 दिया, रुपीस कितना दिया, 4,000 दिया, ये अपना रुपीस है, मैं 20 लग रहा है ना आपको, 20 नहीं है ठीक है, रुपीस है, रुपीस 4,000 दिया है, और अभी कितने वैल्यू हो गया है फर्नीचर एंड फिक्सर का, 8,000 पहले था, और अभी कितना हो गया, 4,000 हो गया, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हुआ, पहले कितना था फिक्सर्स का वैल्यू, 8,000 था, अभी कितना हो गया, 4,000 हो गया, मतलब 4,000 क्या हो गया, लॉस हो गया, और लॉस होगा तो कहां पे आएगा, आपके आपके कहां आएगा, डेबिट साइड, तो आपको यहां पे लिखना है टू फर्नीचर एंड फिक्सर्स, ठीक है। अब पहले कितना वैल्यू था, 8,000 था, अब कितना हो गया, 4,000, तो यहां पे कितना आएगा, 4,000, अंडरस्टैंड, समझा क्या आपको। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ वापस। अब क्या बोला है, ए प्रोविजन ऑफ 5% डेटर्स विल बी मेट फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब आपको क्या निकालना है, क्या है डाउटफुल डेब्ट्स निकालना है, किस पे निकालना है, प्रोविजन आरडीडी पे निकालना है, सन्ड्री डेटर्स पे निकालना है, तो आरडीडी ऑलवेज कहां जाएगा, अब आरडीडी निकाल रहे मतलब आपके नुकसान है, तो नुकसान ऑलवेज कहां जाएगा, आपके डेबिट साइड में जाएगा बच्चों, तो डेबिट साइड में आ जाओ, कितना बोला है, 5% बोला है, तो मैं यहां पे लिखूंगा टू आर डी डी, कितना बोला है, 5% बोला है, डेटर्स का अमाउंट कितना है, यहां पे देखो डेटर्स का अमाउंट कितना है, देखो डेटर्स कितना बोला है, यहां पे देखो 24,000 पे कितना निकालना है, 5% निकालना है आपको, चलो फटाफट निकालेंगे, 24,000 इंटू 5/100, ये गया ये गया ये गया ये गया, कितना बचा, 240 इंटू 5 करो, 240 इंटू 5 करो तो कितना आएगा, 1200 आएगा, कितना आएगा, 1200 आएगा। चलो हो गया, कुछ बच रहा है क्या, अभी नहीं बच रहा है, चलो
अब क्या करेंगे, इससे पहले क्या करेंगे, इसको आप लोग टैली करेंगे, टैली करेंगे। चलो टैली, 10 और 4 कितना हो गया, 14,000 हो गया। 14,000 बड़ा कौन सा है, ये कि ये बड़ा, ये बड़ा है, 14,000 बड़ा है, 14,000 बड़ा है, ठीक है। चलो अब सिंपल है, एक मिनट मैं इसके लिए स्लाइड ले लेता हूँ, बिकॉज इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स के कैपिटल को उनके रेशियो में बांटना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे शायद नहीं होएगा, तो मैं क्या करूंगा, एक स्लाइड ले लूंगा, ठीक है। मैं एक न्यू पेज ले लूंगा, चलो आपको आपका एक ही पेज पे हो जाएगा, आपको एक पेज पे करना है, मेरा नहीं होएगा इसके लिए मैं न्यू पेज ले रहा हूँ, ठीक है। बट आपको एक ही पेज पे कर देना, क्योंकि आपका बड़ा पेज रहेगा तो आप इजीली कर सकते हो ना बच्चों। चलो ये हो गया आपका सीन। चलो अब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर दूंगा, अब दोनों में से बड़ा कौन सा था, 14,000 बड़ा था, तो मैं दोनों जगह लिख दूंगा 14,000, यहाँ पे लिख दूंगा 14,000। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे आप लोग, 4000 कितना हुआ, 8000 9200। अब 9200 अगर आप लेस करते हैं, चलो यहां पे लिखेंगे आप लोग 14000 माइनस कितना था वो, 9200 कितना आ गया, 4800। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 4800। चलो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, अब आपको इसके पोस्टिंग करना है, जनरल एंट्रीज में इसके जनरल एंट्रीज करना है। अब सबसे पहले आप इसका एंट्रीज करेंगे, तो किसका करेंगे, रिवेल्यूशन अकाउंट कौन सी साइड में, ये क्रेडिट साइड में, रिवेल्यूशन अकाउंट जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, ये कौन सी साइड का है, क्रेडिट है, तो इसका नाम क्या डेबिट में आएगा, और रिवॉल्यूशन का नाम कहां पे आएगा, सीआर में है तो क्रेडिट में आएगा। देखो कैसा करते हैं, देखो सीख लो, यहाँ पे मैं बता रहा हूं, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट अप्रैल। अब जो मैं रिवॉल्यूशन अकाउंट कर रहा हूं वो कहां था, क्रेडिट में था। देखो अब हम लोग को इस साइड का करने का है, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट है कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में, तो इसका नाम कहां, क्रेडिट में आएगा। तो चलो पहले कर लेते वही, चलो अब क्रेडिट में तो क्या लिखूंगा मैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट में था तो मैंने उसका नाम लिख लिया क्रेडिट में। अब ये क्रेडिट में है तो डेबिट में किसका नाम आएगा, अब जाहिर सी बात है भाई, डेबिट में इनका ही नाम आएगा, डेबिट का इस डेबिट में इनका नाम आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग का और स्टॉक का आएगा, सिंपल है। तो चलो लिखेंगे फटाफट मेरे साथ, आप लोग भी लिखेंगे, चलो क्या लिखेंगे पहले, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, और क्या होगा, डेबिट लैंड एंड बिल्डिंग, और क्या दूसरा क्या, स्टॉक है, फिर स्टॉक भी डेबिट होएगा, स्टॉक एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है बच्चों, 10,000 था तो मैं 10,000 लिख दूंगा, स्टॉक अकाउंट कितना है, 4,000 है तो मैं 4,000 लिख दूंगा। तो नीचे कितना था, अब रिवेल्युएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल कितना है, टोटल कितना है आपका, 14,000 टोटल है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 14,000 लिखना है आपके जनरल एंट्रीज में, देखो यहाँ पे लिखना है 14,000, ठीक है। चलो अब आपके नरेशन में क्या लिखेंगे आप लोग, नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग असेट्स आर assets are appreciated, क्या हुआ यहाँ पे, assets का value क्या हुआ है, बड़ा है, तो क्या लिखेंगे आप लोग, assets will be appreciated, understand बच्चों। चलो अब एक साइड का हो गया, अब क्या करेंगे आप लोग, इधर का करेंगे, अब सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब कौन सा है, डेबिट साइड है,
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम कहां पे आएगा? डेबिट साइड में आएगा। तो चलो पहले डालेंगे, डेट डालेंगे 1 अप्रैल। अब यहां पे क्या लिखेंगे आप लोग? प्रॉफिट। अब यहां पे एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ये डेबिट में था तो मैंने डेबिट में लिख दिया, अब क्रेडिट में क्या आएगा? अरे सही सी बात है, जो नाम उसके अंदर दिया क्रेडिट में आपको उसका ही नाम शो करना है। तो सिंपल है, टू पहले किसका नाम दिया हुआ है देखो बच्चों, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर, फिर आरडीडी। तो आपको तीनों का नाम लिखने का इसी वन बाय वन। टू पहले क्या लिखना है? लैंड, क्या दिया पहले? टू प्लांट एंड मशीनरी, तो लिखना है टू प्लांट एंड मशीनरी। फिर क्या है? टू फर्नीचर एंड फिक्सर्स, तो मैंने लिख दिया टू फर्नीचर एंड फिक्सर्स। फिर क्या है? टू आरडीडी। अब सिंपल है, आपको इसका अमाउंट आपने कैलकुलेशन किया था बच्चों, कितना था? 4000 4000 8000 और 2 by 100, कितना हो गया? 9200। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना आएगा, डेबिट में कितना आएगा? 9200। चलो अब प्लांट एंड मशीनरी का कितना दिया है बच्चों, क्वेश्चन आपने निकाला ना, देखो कितना दिया है, 4000 दिया है। कितना दिया प्लांट एंड मशीनरी? 4000 दिया है। एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना दिया? 4000 दिया है। आरडीडी कितना निकाला हमने? 1200। तो सिंपल है, आपको वहां पे इसका अमाउंट पोस्टिंग कर देना है। कितना दिया प्लांट एंड मशीनरी? 4000 क्रेडिट में है, तो इसका अमाउंट कहां पे आएगा? क्रेडिट में आएगा। फर्नीचर एंड फिक्सचर क्रेडिट में, इसका अमाउंट कहां पे आएगा? क्रेडिट में आएगा। आरडीडी कहां है? क्रेडिट में है, तो अमाउंट आएगा क्रेडिट में। अंडरस्टैंड? अब इसकी नरेशन लिखना है, मैंने आपको बता दिया था पहली कि नरेशन लिखने से पहले आपको बिंग यूज करना है। और जब भी आपका असेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो आप क्या लिखते हैं? एप्रिशिएटेड लिखते हैं। एंड अगर आपका असेट्स कम होता है तो आप क्या लिखते हैं? डेप्रिशिएशन लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? डेप्रिशिएशन हुआ है। तो लिखना असेट्स, असेट्स आर बी डेप्रिशिएटेड। क्या लिखेंगे आप लोग? असेट्स आर बी डेप्रिशिएटेड। क्या लिखा मैंने? असेट्स आर बी डेप्रिशिएटेड। आप नरेशन में कुछ भी लिखो, छोटा बड़ा मायने नहीं रखता, आप कुछ भी लिखो वो चीज है उससे मिलनी चाहिए बस। तो मैंने सिंपल सा लिख दिया कि भाई असेट्स क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन हो रहा है, खत्म हो गया पोस्टिंग। आप खाली आपके एक ही पोस्टिंग बच्चे, एक ही जनरल एंट्रीज के बाकी है। देखो क्या बाकी, मैं आपको बता रहा हूं। अब सिंपल सी बात है, 14000 रुपए यहाँ पे ये हुआ, हमने निकाला बैलेंस कितना निकाला? 4800 निकाला। अब ये क्या होएगा? पार्टनर्स के ट्रांसफर अकाउंट होएगा। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? टू प्रॉफिट। देखो आपका इनकम ज्यादा है आपके लॉस से, आपका इनकम में देखो इनकम कितना है? 14000 का इनकम है, लॉस कितना है? 9200। मतलब क्या? आपका प्रॉफिट हो रहा है, यहां पे लॉस कम हो रहा है एंड आपका प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ? 4800 का प्रॉफिट हुआ, 4800 का। तो इसको क्या बोलेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब भाई रेशियो में जाएगा 4800 into 3 upon 5, 4800 into 2 upon 5, 3 raise to 5 किसका दिया है? एमएल एंडू का। एंड 2 raise to 5 रेशियो किसका है? समीर का है। तो पहले एमएल एंडू को दे देंगे अपन, चलो एमएल एंडू को देंगे। चलो मोबाइल लेके निकालो, कैलकुलेशन करेंगे इसको। फोर थाउजेंड एट हंड्रेड इंटू थ्री डिवाइड बाय फाइव कितना आ गया? 2880 कितना आ गया? 2880। चलो अब क्या लिखेंगे? 4800 इंटू 2 divided by 5 कितना आ गया? 1920। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। अभी सिंपल सी बात है कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। ये डेबिट साइड है ना आपका, ये डेबिट और ये क्या है? क्रेडिट साइड का है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ है? डेबिट साइड हुआ है। तो सिंपल अपन जनरल एंट्रीज में क्या करेंगे?
सिंपल है भाई, जनरली हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट अप्रैल को डेट डालेंगे, फर्स्ट अप्रैल। अब यहाँ पर डेबिट क्या हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। अब क्रेडिट क्या हो रहा है, अब जब यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहाँ में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा ना, प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि लॉस होगा तो डेबिट में जाएगा, बट प्रॉफिट हुआ तो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट में जाएगा। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में जाएगा तो क्या लिखेंगे अपन, टू किसको जाएगा, एक समीर को जाएगा, एक एमएल एंडू को जाएगा, तो लिखना है टू एमएल एंडू को जाएगा, टू एमएल एंडू, पार्टनर्स के नाम नाम डालना है यहाँ पे, टू समीर को जाएगा। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, हमारे डेबिट में क्या है, 4800 है। अब किसको जा रहा है ये भाई, एक एमएल एंडू को जाएगा, एक समीर को जाएगा, तो सिंपल है, कितना बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है आपको, 4800 का प्रॉफिट हुआ है। चलो एमएल एंडू को जाएगा 2880 उनके रेशो के हिसाब से, और इनको जाएगा 1980, हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, ऑब्वियसली आपको वही देख के पोस्टिंग कर देना है 1920, समझा कैसे क्या मैंने, इसको क्या करना है आपको, लिखना है बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, क्या लिखा मैंने, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, मैंने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया किसके अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ट्रांसफर टू यहाँ पे लिखो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, किसका कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैंने क्या कर दिया, उस चीजों को ट्रांसफर कर दिया है, समझा। अब कैसे कि आपको मैं एक बार एक्सप्रेशन कर देता हूँ सिंपल सा, ये देखो सिंपल है, प्रॉफिट हुआ, अब प्रॉफिट का रिवॉल्यूशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ, डेबिट साइड में हुआ, अब जो डेबिट साइड में प्रॉफिट हुआ वो क्या करेंगे आप लोग, ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आपको पता है कि अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में उसके एंट्रीज करना है, और लॉस होगा तो आप करेंगे डेबिट साइड में। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो प्रॉफिट हुआ था तो प्रॉफिट में करेंगे पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पे, तो सिंपल है, क्रेडिट कौन हुआ, पार्टनर्स क्रेडिट हुए, तो प्रॉफिट अकाउंट का हम लोग ने क्या किया, डेबिट में क्या लिखा है, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स को दिया पैसा, तो पार्टनर्स के नीचे नाम लिख दिया, सिंपल खत्म हो गया जनरल एंट्रीज। आपको इतना जनरल कर रहा था कि पार्टनर्स आया, बाद में अपने प्रॉफिट और लॉस हुआ वहां तक आपको करना, आप कोई भी जनरल एंट्रीज करते हैं तो पार्टनर्स के आने से लेके पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस तक आपको करना ही है, और इसके अंदर एक आ सकता है भी, आया भी नहीं है, अगर बाय चांस आ गया तो उसको बता दो आपको क्या करना है। आपका सपोज जनरल रिजल्ट दिया क्वेश्चन में, मेरे में ट्वेल्थ में दिया, मैंने भूल गया लिखना, इसके लिए आपको मैं ओरली बोल रहा हूँ, अगर जनरल रिजर्व दिया है तो जनरल रिजर्व के एंट्रीज कैसे करेंगे, जनरल रिजर्व मतलब क्या होता है, जो अपने रिजर्व में पैसा रखा है वो क्या करेंगे, दोनों ओल्ड पार्टनर्स बटेंगे। जनरल रिजर्व किसका होता है, जनरल रिजर्व खाली ओल्ड पार्टनर्स का होता है, न्यू पार्टनर्स तो अभी आया है, उसको देंगे क्या हम लोग, उसको नहीं देंगे, आज मेरा सर दुख रहा है, बट कोई नहीं, चल हो जाएगा। तो जनरल रिजर्व किसका करेंगे, दोनों पार्टनर्स को देना है, तो क्या आएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स के नाम आएंगे, और पार्टनर्स को जनरल रिजर्व उनके रेशो में, उनके हिसाब से, रेशो के हिसाब से उनको शेयर कर देंगे। ठीक है, और नरेशन में क्या लिखना, बीइंग जनरल रिजर्व आर ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर रेशो, अंडरस्टैंड, श्योर, समझा, क्लियर है, एनी डाउट, समझा कैसे करते जनरल एंट्रीज, कैसे पोस्टिंग करते। सपोज आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा रहेगा, एंड आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेंगी जनरल एंट्रीज करने के लिए, क्योंकि जनरल एंट्रीज बहुत ईजी है, बट खाली आपको करने के ऊपर है, तो मैंने इसमें कराया, तो प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूँ।
हो गया, चलो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सेम रखे। तब तक आप लोग अपनी स्टडी को स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट रखिए और अच्छे से स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड अच्छे स्कोर कीजिए। एंड कोई डाउट रहेगा तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, कोई डाउट है तो हम उसको भी रिकवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना।